बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने बुधवार 2 नवंबर को अपना 97वें बर्थडे सेलिब्रेट किया। किंग खान के जन्मदिन पर देश के कोने कोने से फैंस उन्हें विश करने के लिए मुंबई पहुंचे थे। इस दौरान एसआरके ने भी दिल खोलकर अपने फैंस का स्वागत किया। किंग खान ने अपने बर्थडे पर फैंस के लिए मुंबई में एक इवेंट भी रखा था। इवेंट में एसआरके ने अपने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए। वहीं शाहरुख खान को अपने सामने पाकर फैंस भी खुशी से फूले नहीं समाए। इसी दौरान एक फैन ने कुछ ऐसा कहा कि किंग खान ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शाहरुख खान एक ऑडिटोरियम में मौजूद है और स्टेज पर वह अपने फैन से घिरे हुए हैं। इस दौरान इवेंट की होस्ट और बादशाह की फैन घुटने के बल पर बैठकर शाहरुख खान के लिए कहते हैं, ना हिंदू ना मुसलमान है, ये हमारे शाहरुख खान है। फैन की ये बात सुनकर किंग खान आगे बढ़कर उसे गले लगा लेते हैं। वहीं एक्टर का ये अपने फैंस के लिए ग्रेट्यूड देखकर वहां मौजूद अन्य फैंस खुशी से चीखने लगते हैं। वहीं सुपरस्टार के वायरल वीडियो को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। इससे पहले शाहरुख खान ने अपने घर पर मन्नत के बाहर मौजूद हजारों की संख्या में अपने फैंस से मुलाकात की थी। इस दौरान बादशाह ने पहले आधी रात को अपने फैंस के अभिभावन किया था और बाद में दिन में भी उन्होंने फैंस का बाहें फैलाकर और सिर झुकाकर स्वागत किया था। शाहरुख खान का जन्मदिन उनके फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता। इस दौरान फैंस ने जमकर आतिशबाजी भी की थी। शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर फैंस को अपनी अपकमिंग फिल्म पठान पर टीजर रिलीज का ट्वीट भी दी थी। किंग खान की इस फिल्म का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि फिल्म 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।